मिलान रहीम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो नाइन है उसको डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर जो है उनको ईड आउट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आडेंटिफाई एंडेंटिफाई इज़ अ नेम गिवन टू वेरिएबल Uh, एक ऐसा नाम होता है जो कि हम वेरिएबल को कांस्टेंट को फंक्शंस को या लेबल को देते हैं प्रोग्राम के अंदर फीचर्स प्रेजेंट इन ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये वाला फ़ीचर जो है तमाम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद होता है अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट जो एक अच्छा जो है वो आइडेंटिफायर होता है उसका नाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है बट uh, शॉर्ट छोटा सा नाम होता है उसका Uh, लेकिन नाम ऐसा होता है जिसको एक्सप्लेन कर रहा होता है जैसे हम मार्क्स एंटर करना चाह रहे हैं तो हम मार्क्स का ही वेरिएबल आइडेंटिफाइड जो है वो क्रिएट कर लें एन आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ थर्टी वन करेक्टर्स एक जो आइडेंटिफायर होता है उसमें टोटल जो है वो थर्टी वन करेक्टर्स होते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स क्या है द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर सच एज लार्ज एज मार्क्स एसेट्रा द रिमेनिंग कैन बी अल्फाबेटिक करेक्टर्स डिजिट्स और अंडर स्कोर सच एज नंबर वन आर टोटल मार्क्स एसेट्रा द रिजर्व वर्ड नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स नेम सच एज इंट डबल ब्रेक एसेट्रा वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं लेटर वन है इंचज़ है के एम पी ई आर है माइल है, है और लार्ज है इनवैल आइडेंटिफायर्स कौन से होंगे वन लेटर है ये इन वैलिड है मतलब इस तरह से नहीं लिखा जाएगा हैप्पी मल्टीप्लाई बैट्राउट रिटर्न ठीक है ये वाले यूज नहीं होंगे आडेंटिफाइ के तौर पर टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर हमारे पास आइडेंटिफायर की टोटल टू टाइप्स होती हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कौन से होंगे अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट है स्पेशल मीनिंग इन सी जिनका सी लैंग्वेज के अंदर कोई स्पेशल पर्पस होगा कोई मीनिंग होगा वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होंगे प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ इसकी एग्जाम्पल्स हैं नंबर दो पे यूजर डिफाइंड डिफाइंडिफाइज अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय प्रोग्रामर जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करता है इज़ नाउन एज़ यूज़र डिफाइंड डिफाइंडिफाइज दूसर डिफाइंड आइडेंटिफायर आई यूज़ टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट जो है उसको वो स्टोर करता है एग्ज़ाम्पल uh, क्या है माई नेम है मार्क्स है एज है कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं कीवर्ड्स वर्ड्स इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज़ है दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड परपज़ जिसका कोई खास मकसद होता है और uh, कोई ख़ास प्री डिफाइंड पहले से उनको डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि उन्हें किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आलसो नाउन एज रिज़र्व वर्ड इन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर परपज़ इसे हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते रिटर्न इन लोअर केस और इसको लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखा जाता है द टोटल नंबर ऑफ़ की वर्ड्स इज़ थर्टी टू टोटल हमारे पास की वर्ड जो है वो कितने थर्टी टू हैं लिस्ट ऑफ़ की वर्ड्स ये डिफरेंट लिस्ट ऑफ़ की वर्ड्स हैं मेरे पास वेरिएबल्स आ वेरिएबल इज़ अम्ब मेमरी लोकेशन मेमरी सेल मेमरी लोकेशन या मेमरी सेल का नाम क्या होता है वेरिएबल स्टोर अ प्रोग्राम इनपुट डेटा एंड इट्स कॉम्पिटिशन रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ठीक है ये क्या करता है रिजल्ट स्टोर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है वो कैन चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इफ़ अ न्यू वैल्यू स्टोर इन द वेबल अगर कोई नई वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो इट रिप्लेसिस द प्रीवियस वैल्यू तो वो प्रीवियस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम और वेरिएबल जो है उनको हम रैम के अंदर क्रिएट करेंगे अब देखिए जैसे मार्क्स है टेन अब मार्क्स जो है वो चेंज नहीं होगा जो लेकिन जो टेन है वो हम वो नंबर वेरी कर सकता है जब हम उसको चेंज करेंगे अगले हम 20 दे दे तो हम ट्वेंटी दे देते तो ट्वेंटी आ जाएगा थर्टी देंगे तो थर्टी आ जाएगा नेम ऑफ वेरिएबल अब देखिए नेम ऑफ वेरिएबल सबसे मार्क्स लिखा हुआ है इट रेफर्स आइडेंटिफायर ये एक आइडेंटिफायर है दैट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल ठीक है इट रेफर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ़ द वेरिएबल ठीक है मेमोरी लोकेशन के ऊपर जो है जो भी वेरिएबल स्टोर किया गया है उसके बाद है कॉन्टेंट्स ऑफ वेरिएबल क्या होंगे इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल जैसे कि कोई भी वैल्यू जो स्टोर की गई है अब टेन एक ऐसी वैल्यू है जो कि स्टोर की गई है इसके अंदर रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स क्या होंगे वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स नंबर्स एंड अंडर फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर अंडर स्कोर जो पहला लफ्ज है वो लेटर या कोई अंडर स्कोर होगा ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल स्पेस इन वेरिएबल नेम्स न वेबल नेम्स में आप ब्लैंक स्पेसिज यूज़ नहीं कर सकते स्पेशल सच एज एट द रेट डॉलर साइन परसेंटेज आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव केस सेंसिटिव होते हैं मतलब अगर आप कैपिटल या स्मॉल लेटर्स लिखते हैं तो उसे डिफरेंट मीनिंग्स में लेंगे रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज वेरिएबल अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डेटा टाइप अ वेरिएबल कैन बी अप टू थर्टी वन करेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर थर्टी वन तक आप जो है उसको यूज कर सकते हैं इससे बड़ा अगर कोई वेरिएबल होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा मल्टी वर्ड वेरिएबल नेम्स अ वेरिएबल a variable to store the marks. टू student should be marks के अंदर store कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम्स में इंक्लूड मल्टीपल वर्ड्स डी के यूज़ किया जा सकते हैं टू कन्वेंशंस टू यूज़ इन नेमिंग वेरिएबल्स कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ईच वर्ड हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा जैसे इंटरेस्ट uh, रेट है इंटरेस्ट का आई कैपिटल है आर रेट uh, का आर कैपिटल है ठीक है उसके बाद है टोटल सेल्स टी कैपिटल है ठीक है सेल्स का एस कैपिटल है यूज द अंडर स्कोर ठीक है करेक्टर्स एज अ स्पेस माय फोन नंबर टोटल सेल्स ठीक है यूज़ वन कन्वेंशन कंसिस्टेंटली थ्रू आउट आ प्रोग्राम कहते हैं वन जो है कन्वेंशन जो है पूरे प्रोग्राम के अंदर हम उसी को उसी रूल को ही फॉलो करेंगे वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स कौन से हैं अब देखिए ये डिफरेंट जो है वो आपकी बुक पर भी लिखा होगा कि वैलिड वेरिएबल कौन से हैं और इन uh, जो है वो कौन से हैं ठीक है थीके. अब इन सब के अंदर आगे जो है इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वेरिएबल डिक्लेरेशन द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम तमाम वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं बिफोर दे आर यूज इन द प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले इनको डिक्लेयर किया जाता है अ प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल एज नीडिट द वेरिएबल डिकलेशन प्रोवाइडस इंफॉर्मेशन टू द कंपायलर अबाउट द वेरिएबल वेरिएबल डिकलेन क्या करता है कम्पायलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेरिएबल के मतलब द कंपायलर यूजिज़ द डिकलेशन टू डिटरमाइंड हाउ मच मेमरी इज नीडिट फॉर ईच वेरिएबल कंपायलर क्या करता है यूज़ दिक्लरेशन को इस्तेमाल करते हुए बताता है कि मेमरी के किसको वेरिएबल को स्टोर करने के लिए कितनी मेमरी चाहिए एग्जाम्पल क्या है इन वेरिएबल रिक्वायर्स टू बाइट्स एंड करेक्टर जो है वो वन बाइट अब देखिए इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो दो बाइट स्टोर करता है और करैक्टर टाइप का वेरिएबल जो है वो एक बाइट स्टोर करता है वंस अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर जब एक दफ़ा आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं इस डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसका डेटा टाइप चेंज नहीं होगा सेंटेक्स क्या है डेटा टाइप है और वेरिएबल नेम है ठीक है डेटा टाइप क्या होगा इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल ठीक है आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल नेम इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ दिए वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन जो है उसको रेफ़र करेगा अब देखिए याद रखने वाली बात कौन सी है द कंपाइलर गिव एन एरर इफ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज़ यूज इन द प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते और आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो क्या करेगा एरर मैसेज दे देगा सेकेंड जो रिमेंबर वो रखने याद रखने वाली बात कौन सी है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यू है वो जो है वो चेंज हो जाएगी वेरिएबल की वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे वेरिएबल ऑफ़ सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर सेम टाइप के जो वेरिएबल उन्हें इकट्ठा डिक्लेयर करेंगे जैसे इंड लेंथ इंड वर्थ सेपरेट स्टेटमेंट है ठीक है इनको आप इकट्ठा बी डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि जब आप इन स्टार्ट में लगाएंगे तो इसका मतलब उस लाइन में जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं वो सारे इंटीजर टाइप के इन द सेम स्टेटमेंट ठीक है इंट लेंथ विथ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप मस्ट बी डिफाइंड इन सेपरेट स्टेटमेंट्स इंट मार्क्स फ्लोट एवरेज करेक्ट ग्रीड ठीक है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल है तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल नीचलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ अ साइनिंग वैल्यू ऑफ टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कार्ड वेरिएबल इनशलाइजेशन सिम्बल इज इक्वल टू इज यूज टू अनिशलाइज अ वेरिएबल इक्वल का सिम्बल जो है वेरिएबल को अनिशलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है अ सिंगल वेरिएबल नेम मस्ट अपीयर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल अब देखो जिसल जो वेरिएबल का नाम है वो लेफ्ट साइड पर इक्वल के साइन के होगा और वैल्यू जो है वो राइट साइड पर होगी गारबिज वैल्यू कौन सी होगी इफ़ आ वेरिएबल डिक्लेयर बट नॉट इनिशलाइज एक वेरिएबल डिक्लेयर तो हो गया लेकिन हमने उसे इनिशलाइज़ नहीं कराया इट मे कंटेन मीनिंगलेस डेटा होगा प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन सम समीशन आल वेरिएबल शुड बी इनिशलाइज टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम तमाम वेरिएबल को इनिशलाइज़ करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके सेंटेक्स क्या होगा टाइप नेम वेरिएबल इज इक्व टू वैल्यू ठीक है और सैमिकॉलन एग्जाम्पल क्या इंट आप देखें टाइप नेम क्या होगी इंट इंटीजर टाइप का डेटा है नेम वेरिएबल क्या होगा एन इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगी इसकी हंड्रेड ठीक है इस तरह से हम डिफरेंट वेरिएबल्स को आ, जो है वो नीचलाइज करा लेंगे कांस्टेंट क्या है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में इन इस चैप्टर में से ज़्यादातर आपकी डेफिशन आनी है अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कांस्टेंट जैसे कि नाम से जाहिर है मुस्तकिल ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील ना हो वो कॉन्स्टेंट कहलाता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या है नोमरिक कॉन्स्टेंट है इंटीजर कॉन्स्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्सटेंट नुमरिक कॉन्सटेंट नुमैरिक कॉन्टेंट कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर इट कैन बी फर्दर डिडेड इंटू टू टाइप्स इंटीजर कॉन्स्टेंट इंटीजर कॉन्स्टेंट्स अनुमैरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शनल डेसीमल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल जैसे एटी सेवन है फोर्टी फाइव है माइनस टेन माइनस फाइव मतलब ऐसी चीज़ जिसमें आपके पॉइंट की बात कोई भी वैल्यू नहीं होती वो इंटीजर कॉन्टेंट कहलाता है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्सटेंट क्या होगा फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स अनुमारिक वैल्यूज विद्रेक्शनल डेसिमल पॉइंट्स ठीक है फिफ्टी पॉइंट सेवेंटी फाइव है टेन पॉइंट ट्वेंटी टू है जिसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यू होती है उसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्सटेंट्स करेक्टर कॉन्सटेंट क्या होगा एनी करेक्टर रिटर्न विद सिंगल कोटेशन मार्क इस कार्ड एज से करैक्टर कॉन्स्टेंट्स ए है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर इसको लिखा गया है एन है नाइन है uh, इस तरह से डिफरेंट uh, आपके पास मौजूद है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होगा कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स रिटर्न इन डबल कोटेशन मार्क इस कार्ड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स ठीक है मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फाबेटिक डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जैसे पाकिस्तान है डबल क्रेशन मार्क के अंदर लिखा गया है उसके बाद है वन टू थ्री है नाइनटी नाइन माल रोड लाहौर है टाइप्स ऑफ डेटा द डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन भी अपलाइड ऑन द डाटा

इट कैन ओनली बी यूज इन द प्रोग्राम इन विच इट हैज़ बिन डिफाइंड के यूजर जिस चीज़ के लिए इसको डिफाइन करता है उसी परपज़ के लिए इसे यूज किया जाएगा द डेटा टाइप स्पेसीफाइज द टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन भी अपलाइड ऑन द डेटा डेटा की डिफरेंट ऑपरेशन जो अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में बताएगा एवरी डेटा टाइप हैज़ अ रेंज ऑफ वैल्यूज इट रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमरी कंपाइलर एलोकेट्स मेमरी स्पेस फॉर ईच वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप्स अब इसकी जो है वो कैटेगराइज हमने जैसे पीछे कैटेगरीज की पढ़ी है स्टैंडर्ड डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ठीक है स्टैंडर्ड कौन सा है आ डेटा टाइप दैट इज बी डिफाइंड इन द लैंगेज़ का स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है ठीक है इंट फ्लोट लॉन्ग डबल करैक्टर है यूजर डिफाइंड क्या होंगी सी आल्सो अलाउज द यूजर्स टू डिफाइन हिज ऑन डेटा टाइप नाउन डिफाइंड डेटा टाइप इट कैन बी ऑन इन द प्रोग्राम इच डेट मीन डिफाइंड जिस मकसद के लिए इनको डिफाइन किया गया है उसी के लिए इसे यूज़ किया जाएगा ठीक है उम्मीद करती हूँ डे स्टूडेंट आपको यहाँ तक जो है लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू अल्लाह हाफिज़